नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम कादरी ब्लॉग। आज दोस्त मैं यहाँ आया हूँ, कौन सा मॉल है, मैं मॉल का नाम भूल रहा हूँ। सर ये कौन सा मॉल है सर? हाँ, मैक्सी मॉल आया हूँ मैं यहाँ, और ये हमारे हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर है। और अच्छा लग रहा है दोस्त, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं और थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ बाहर, लेकिन ठंडी नहीं थी, लेकिन मॉल कोई ठीक है, जैसे इंडिया में हमारा मॉल है ना वैसे ही मॉल है यहाँ पे, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, और ठीक है। सोलमवाला मॉल से तो अच्छा ही है यहाँ पे। और आया तो कुछ कपड़े ख़रीदने के लिए आया था, और वो भी ख़रीदूँगा मैं अभी। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे बर्गर भी मिलता है और कॉफ़ी मिलता है, और पता नहीं वो क्या क्या फ्रेंच फ्राइज क्या क्या मिलता है, पता नहीं, मुझे पता भी नहीं है, नाम भी नहीं पता है, तो वो भी लूँगा मैं। और बहुत सारे मेरे चाहने वाले, मेरे मुझसे प्यार करने वाले, मेरे जो फैन फॉलोअर हैं, वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कि आप नेक्स्ट टाइम जो है कोई एक ब्लॉग बनाइए। तो मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों, और अभी मैं सारे कपड़े के शॉप में आया हूँ, और आज ढेर सारा कपड़ा ख़रीदूँगा यहाँ पर, और हो सकता है तो पूरे रसिया में सब कुछ खरीद के जाऊँगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मनी है तो हनी है, तो साथ में पॉकेट में गरम गरम पैसा रखिए, और आके रसिया में जिन शॉप में जाए, जिस शॉप पे जाए, वहाँ पे आपकी जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, आप वो पूरा कर सकते हैं, पर शर्त है कि आपके जेब में पैसा होना चाहिए। तो पैसा बोलता है दोस्तों, और आज मैं यहाँ आया हूँ, काफ़ी इंडियन स्टूडेंट को भी मैंने आज यहाँ पे देखा। आज शायद सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे, आप जानती है कि संडे को तो छुट्टी रहता है, तो सैटरडे को लोग यहाँ पे आते हैं बनाने के लिए। तो आज मैं आपको पूरा यहाँ का वो दिखा नहीं पा रहा क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जो होगा वो फिर मैं आऊँगा, और फिर आपको मैं पूरे मॉल का एक अच्छे से आपको नज़ारा दिखाऊंगा। बट अभी थोड़ा हमारे पास समय कम है, अभी रात हो गई है और मुझे अभी निकलना है, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट चाहिए। मेरे वीडियो को तो देखते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊँ, और मेरे में क्या क्या कमी है वह बताइए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा, मुझे आपका सहयोग चाहिए, और बिना सहयोग का मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आपने मुझे एक महीने के अंदर प्यार दिया है, मुझे लगता है कि शायद वो शायद वो प्यार मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी मिला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे ही मुझे सम्मान देते रहें। और ये हमारे सीनियर सर हैं, सर आपका नाम क्या है? शुभ नाम जयेश नाम सर हैं, ये 6 ईयर के हैं, और इनकी मुलाकात मेरी यहाँ पे मैक्सी मॉल में हुई थी। तो मैंने सर को कहा कि सर मुझे यहाँ के बारे में, कोई शॉप के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे कुछ कपड़े ख़रीदने हैं, तो क्या सर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? इतने अच्छे नाइस पर्सन हैं, बहुत ही काइंड पर्सन हैं, मुझे काफ़ी टाइम दिया इन्होंने, और अभी भी 1 घंटा मेरे साथ हैं ये, और अभी भी मुझे काफ़ी टाइम दे रहे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको 6 साल में डिग्री मिल जाए, अब इनका शायद जून में डिग्री मिल जाने वाले हैं, और भगवान से ये प्रार्थना है कि एक डॉक्टर में इंडिया जाए और वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर बन के आए, और यही मेरी प्रार्थना है। और मेरा भी एक सपना है दोस्तों कि अगर भविष्य में अगर लिखा है तो एक छोटी सी गाड़ी मेरी भी होनी चाहिए। ये हर इंसान का एक सपना होता है कि एक अपना एक गाड़ी हो, तो भगवान से ही प्रार्थना है कि मेरा भी एक गाड़ी हो, अपने खुद का छोटा सा घर हो, एक छोटा सा परिवार हो। और जो प्यार आप लोगों ने मुझे 1 महीने के अंदर दिया, और जब मैं आप लोगों से मिलता हूं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही प्यार सम्मान देते रहिए, फिर मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, हमारा एक छोटा सा मिनी ट्रेन है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप बैठ के इसमें एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू।